रोहतक नगर निगम ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए अब आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की है। शहर को साफ सुथरा रखने और गीला सूखा कूड़ा अलग अलग रखवाने की पहल नगर निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसके तहत 7 वार्डों में 8 से 10 सदस्यों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन जन भागीदारी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जोड़ा गया है। इन व्हाट्सएप ग्रुप में नगर निगम के अधिकारी भी शामिल है, जो हर शिकायत की खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ, हमने निगम क्षेत्र में स्वच्छता के रैंक में सुधार करने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सभी 22 वार्डों में एक एक टीम का गठन करने का निर्णय लिया है। उसमें संबंधित वार्ड का MC और वहाँ कार्य करने वाले समाज सेवक व अन्य लोगों की भागीदारी करके, ताकि सभी लोगों को जागरूक किया जा सके कि स्वच्छता में उनकी सहयोग के बगैर अकेला नगर निगम कुछ नहीं कर सकता। आम जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और ये आम जनता में जागरूकता लाने के लिए हम इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी स्वच्छता की रैंकिंग को हम 10 तक ला सकें। सर, ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, क्या कोई परेशानी भी सामने आ रही है इन ग्रुप्स के माध्यम से? क्या लोग स्वच्छता की जगह कोई और इनमें अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं? हाँ, ये हमने स्पेशल ग्रुप बनाया था ताकि स्वच्छता से संबंधित ही लोग इसमें अपनी समस्या रखें, लेकिन कई लोग हैं जो स्वच्छता के अलावा भी अनेक प्रकार की समस्याएं रख देते हैं और उनको पोस्ट भी कर देते हैं, जिससे दिक्कत आती, लेकिन हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो इस ग्रुप में केवल स्वच्छता से संबंधित ही मुद्दे रखें, ताकि उनका त्वरित कार्रवाई करके समाधान किया जा सके। रोहतक नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण में गोल्ड मेडल मिल चुका है, मगर कई इलाकों की सफाई व्यवस्था अभी भी परेशानी का सबब बनी हुई है। गीला व सूखा कूड़ा भी अलग जमा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते निगम ने जन सहभागिता से सफाई को दुरुस्त रखने और गीला सूखा कूड़ा अलग रखवाने की दिशा में यह कदम उठाया है। इसके तहत निगम के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भानु ने 22 वार्डों में से वार्ड नंबर 7, 9, 11, 13, 15, 17 व 19 में कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी के प्रत्येक सदस्य को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसमें शामिल किया गया है। इन ग्रुपों में निगम के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जो सीधे जनता से मिलने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अन्य वार्डों में भी कमेटी बनाने का काम जारी है।